गया है। तो एलविश यादव जी जो थे वो हमारे विनर हैं, तो आप लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में? जीतना तो उनको ही था, वो तो शुरू से ही फुल सपोर्ट था भाई का। और क्या सिस्टम ही चल रहा है उनका, तो जीतना तो उन्हीं को है। और आप फुकरा इंसान के बारे में क्या सोचते हैं? फुकरा इंसान भी बढ़िया इंसान है, और सिस्टम जो है ना, सिस्टम सिस्टम है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। ओके, और आपके हिसाब से सबसे ज्यादा डिजर्विंग विनर कौन थे? एल्विश नहीं था डिजर्विंग विनर, तो वो था फुकरा इंसान, पर जिताना एल्विश को था। आप लोग जिताना एल्विश को चाहते थे? एल्विश को आए थे, और फॉलोवर्स और इसके मामले में एल्विश ज्यादा था। तो मतलब आपके हिसाब से उसके फॉलोअर्स ज्यादा थे, इसलिए वो जीत गया? क्योंकि इसका सिस्टम बड़ा था, इसलिए वो जीत गया। मतलब सही है, वो फैन बेस भी काफी बड़ा है उसका, तो जीतना तो था ही उसे। और दूसरी बात ये थी कि काफी हाईलाइट कर दिया था कि वाइल्ड कार्ड कभी जीत नहीं सकता, तो वो चीज भी एक पॉइंट प्रूफ करनी थी उसकी फैन बेस को, तो जीत गया फिर। मतलब सिस्टम हैंग कर दिया एलविश जी ने। और बाकी आप लोग, जैसे आपने देखा होगा पूरा, तो उसमें एक वो थी पूजा भट्ट जी, ज्ञान की देवी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ही बोले अब उनके बारे में, छोड़ो, ज्यादा कुछ मत बोलो। और मनीषा रानी के बारे में क्या सोचते हैं? मनीषा रानी तो हमारे बिहार की शान है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं लाइव एक्सपोज, मैं आपकी होस्ट आयुषी राघव। आज हम जानेंगे बिग बॉस OTT सीजन 2 के रिजल्ट के बारे में, लोगों के रिव्यू। हेलो, आपका नेम क्या है? मनस्वी। कौन से डिपार्टमेंट से हैं आप? टेक्नोलॉजी। मैं आपसे बिग बॉस के रिजल्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ, कि जैसे कि आप सबको पता है कि एलविश यादव ने सबका सिस्टम हिला दिया, तो एलविश यादव आपके हिसाब से एक अच्छे विनर हुए हैं या नहीं? ऑब्वियसली एलविश, टीम एलविश, और बिल्कुल डिजर्विंग भी था और जीता तो बिल्कुल सही है। और जैसे लोग काफ़ी बोल रहे हैं कि फुकरा इंसान ज़्यादा डिजर्विंग थे और उनकी सीट ले ली एक टाइप से एलविश ने, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? फुकरा, उसके सामने मैं कुछ मानती नहीं हूँ, टीम एलविश है तो वही जीता है, सही है। ओके, और आपके क्या रिव्यू हैं इसके ऊपर? एलविश जीत गया, बहुत अच्छी बात है, पर फुकरा भी जीतता तो अभी ठीक होता मेरे लिए। आप दोनों की साइड से थे। ओके ओके, हेलो भैया, आपका नाम? मेरा नाम देवांश है और मैं 5th सेमेस्टर BGMC का छात्र हूँ। तो ऐसा है ना कि एलविश एक डिजर्विंग कैंडिडेट है, क्योंकि पहले भी उसकी एक अच्छी खासी ऑडियंस थी, उसने YouTube पे अपना चैनल बनाया था, बीच में आया, लेकिन ये कह सकते हैं कि उसका गेम प्ले बहुत तगड़ा था जिस हिसाब से उसने खेला। और जहाँ तक बात रही फुकरा इंसान की, तो फुकरा इंसान का भी पिछला बैकग्राउंड जो है वो बहुत संघर्षपूर्ण रहा है, उसकी भी एक अच्छी खासी फ़ैन बेस है, और मेरे ख्याल से फुकरा इंसान फाइनलिस्ट बना है, उसने लोगों के दिल जीते हैं, तो लोगों के दिल जीतना भी एक ट्रॉफी ही है। तो आपके हिसाब से सिस्टम मिल गया पूरा? अरे पूरा गदर मचा दिया उसने। हेलो, आपका नेम क्या है? सिद्धार्थ गुंबर। कौन से डिपार्टमेंट से हैं आप? अलाइड हेल्थ साइंस से। मैं आपसे, बिग बॉस OTT सीजन 2 का रिजल्ट आ गया है, उसमें एलविश यादव जो थे वो हमारे विनर रहे थे, तो उसके बारे में आपका क्या रिव्यू है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? भाई ने सिस्टम हिला दिया, एंड मैं मतलब पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता था उसने जैसे खेला है बिग बॉस में, एंड द काइंड ही नोटिस्ड द वे टू प्ले इनसाइड दिस हाउस, उसने बहुत अच्छा प्ले किया। लाइक उसने फुकरा को लाइक जीत रहा था, लेकिन लास्ट में आके उसको शैडो कर दिया। और मनीषा रानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? उनके बीच में लड़ाई भी हुई थी एलविश यादव जी से, तो उसके बारे में आपके क्या कहना है? लड़ाई लाइक ऐसे इन द सेंस वैसे नहीं हुई थी, लेकिन हाँ दोनों का नोकझोंक चलती रहती थी, इट इज फुल ऑफ एंटरटेनमेंट पैकेज कहूँगा मैं, और ज़्यादा कुछ नहीं। हेलो, आपका नेम क्या है? आयुष। आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? आपकी क्या सोचती हैं ये जो पूजा मैम के ज्ञान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मतलब उनको है ना, जब मौका मिलता था कहीं, मतलब कुछ सोच के नहीं बोलती थी, वही डोमिनेंट जो बोलते रहते थे सेम। और मनीषा रानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मतलब बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी उसकी, बहुत चुलबुली, सबसे घुलती मिलती थी, कोई फेक नहीं थी बिल्कुल। और आपके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन थे? थैंक यू। हेलो, आपका नेम क्या है? उदित कुमार। कौन से डिपार्टमेंट से हैं आप? नर्सिंग। तो जैसे कि आपको पता है कि इस बार सीजन 2 आया था OTT का बिग बॉस, तो उसमें विनर हुए हैं एलविश यादव, तो आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? भाई जीत गया अपना, पर हाँ मेरे को फुकरा के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है, वो भी डिजर्विंग था वो बंदा। हाँ ठीक है, एलविश जीत गया। और आप जैसे कि सब जानते हैं पूजा जी का ज्ञान, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पूजा जी की तो एजी है ज्ञान देने की, वो तो देंगी, वो बड़ी हैं। बॉस है भाई,
वो तो सीनियर है, वो तो देंगे ज्ञान, वो तो उनका तो एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा अपनी फील्ड में, तो वो है उनका नेचर ही ऐसा है। और आपके हिसाब से मोस्ट डिजर्विंग पर्सन कौन था बिग बॉस के लिए? विनर फुकरा। हेलो, आपका नेम क्या है? करण ठाकुर। आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? यस, सी नर्सिंग से। तो आपको, आपके हिसाब से कौन ज़्यादा डिजर्विंग था और कौन कम डिजर्विंग था? फुकरा इंसान सबसे ज़्यादा डिजर्विंग था, और पूजा तो टॉप 5 में भी नहीं थी पर वो आ गई बिग बॉस के कारण। और मनीषा रानी, बिहार की रानी जिसके नाम से जाना जाता है उनको, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो टॉप 3 में आई, वो डिजर्व करती थी टॉप 3 में, पर टॉप 2 में नहीं, पर सही था, मतलब प्लेयर उसका पोजीशन सही आया था। और ये बीच में एल्विश और मनीषा की जो नोकझोंक हो गई थी, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? वो तो पता नहीं, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि उनको पता नहीं चला, कोई कुछ बोल रहा था और कोई कुछ बोल रहा था, तो उन दोनों के बीच में कुछ हो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी चलता है, बिग बॉस है क्योंकि। ओके, थैंक यू। हेलो, आपका नेम क्या है? हर्ष रोहे। डिपार्टमेंट? SOP। आपका नेम? SOP पीयूष। कार्तिक, BPT। अनंत साहस। श्रेय, BTech। हेलो गाइस, तो आप सबको पता है कि OTT सीज़न आया था अभी 2 बिग बॉस का, तो उसका रिजल्ट आ गया है, तो एल्विश यादव जी जो थे वो हमारे विनर हैं, तो आप लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में? जीतना तो उनको ही था, वो तो शुरू से ही फुल सपोर्ट था भाई का। और क्या, सिस्टम ही चल रहा है उनका, तो जीतना तो उन्हीं को है। और आप फुकरा इंसान के बारे में क्या सोचते हैं? फुकरा इंसान भी बढ़िया इंसान है, और सिस्टम जो है ना, सिस्टम है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। ओके, और आपके हिसाब से सबसे ज्यादा डिजर्विंग विनर कौन थे? एल्विश नहीं था डिजर्विंग विनर, तो वो था फुकरा इंसान, पर जिताना एल्विश को था। आप लोग जिताना एल्विश को चाहते थे? एल्विश को आए थे, और फॉलोवर्स और इसके मामले में एल्विश ज्यादा था, तो मतलब आपके हिसाब से उसके फॉलोअर्स ज्यादा थे इसलिए वो जीत गया, क्योंकि उसका सिस्टम बड़ा था इसलिए। ओके, फैन बेस भी काफ़ी बड़ा है उसका, तो जीतना तो था ही उसे। और दूसरी बात ये थी कि काफ़ी हाईलाइट कर दिया था कि वाइल्ड कार्ड कभी जीत नहीं सकता, तो वो चीज़ भी एक पॉइंट प्रूफ करनी थी उसकी फैन बेस को, तो जीत गया फिर, मतलब सिस्टम हैंग कर दिया एल्विश जी ने। और बाकी आप लोग, जैसे आपने देखा होगा पूरा, तो उसमें एक वो थी पूजा भट्ट जी, ज्ञान की देवी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ही बोले अब उनके बारे में, छोड़ो, ज्यादा कुछ मत बोलो। और मनीषा रानी के बारे में क्या सोचते हैं? मनीषा रानी तो हमारे बिहार की शान है। ओके, थैंक यू। हेलो, आपका नेम क्या है? अखिल मलिक। कौन से डिपार्टमेंट से हैं आप? स्कूल ऑफ फार्मेसी। आपका नेम क्या है? चेतन कुमार। कौन से? बीटेक CSC। शुभम, BGMC। तो जैसे कि आप सबको पता है, बिग बॉस OTT सीजन 2 का भी रिजल्ट आया है और एल्विश यादव उसमें विनर हुए हैं, तो उसके रिव्यूज क्या हैं आपके? डिजर्विंग था, ऑनेस्ट था, इस वजह से जीत गया, अच्छा है बंदा। और फुकरा इंसान के बारे में आप क्या सोचते हैं? फुकरा भी डिजर्विंग था, हालांकि वो जाटी है, इस वजह से मैं सपोर्ट करता हूं। आप क्या सोचते हैं, एल्विश यादव डिजर्विंग था या फुकरा इंसान ज्यादा डिजर्विंग था? एल्विश यादव। सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, ऑफकोर्स एल्विश यादव डिजर्विंग था, जब तक एल्विश यादव ने वाइल्ड कार्ड के थ्रू एंट्री नहीं ली थी तो ऑफकोर्स कह सकते हैं कि फुकरा इंसान डिजर्विंग था, लेकिन जब सिस्टम की एंट्री होती है तो सारा सिस्टम चेंज हो जाता है और जो डिजर्विंग था उसके हाथ में ट्रॉफी गई। और मनीषा रानी के बारे में, जैसे बिहार की रानी बोलते हैं उनको, तो उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? मनीषा रानी का गेम ऑल अच्छा ही था, लेकिन थोड़ा वो था कि एल्विश यादव के सामने जो सिस्टम आ जाता है ना, फिर उसके सामने कोई बैठ नहीं पाते हैं, जब फुकरा इंसान ने बैठ पाया तो भाई मनीषा रानी कहाँ की। तो बाकी आपको मोस्ट डिजर्विंग सबसे ज्यादा कौन लगा? वही सिस्टम। सिस्टम। थैंक यू गाइस।